kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class, we are going to discuss chapter number 3, money and credit. And today's session will be session number 9. So in this session, we are going to discuss about the self-help group for the poor. तो जो poor लोग हैं उनके लिए कुछ self-help group बने हुए हैं उनकी बात करेंगे हम लोग इस session में. Poor households are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? तो हम लोगों ने earlier session में बात करी कि किस तरीके से जो poor household हैं वो अभी भी credit के लिए जो dependent हैं वो informal sources पे हैं. और इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं मनी लेंडर्स हैं या फिर यू नो वो ट्रेडर्स हैं या फिर रिलेटिव हैं फ्रेंड्स हैं वो सब होते हैं इनफॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं क्रेडिट लेने के तो उन पे ही अभी तक वो डिपेंडेंट हैं. तो वो किस लिए है? बिकॉज बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. इवन वेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. तो जो पुअर लोग हैं उनको जो क्रेडिट लेना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्सेज से वो इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक्स जो हैं हर जगह रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे हर जगह उतना बैंक नहीं है जितना कि आपको एक शहर में आप देखेंगे बैंक हैं इतनी सारी बैंक हैं. पर रूरल एरियाज़ में अभी भी वो हर जगह अवेलेबल नहीं है बैंक की फैसिलिटी. एंड इवन इफ़ जो बैंक है वो अवेलेबल है तो वहाँ पे जो बैंक है वो उतना क्रेडिट इजीली नहीं दे रही है सब लोगों को. तो पुअर पीपल जो पुअर लोग हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट है ये लोन लेना एक बैंक से फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना बहुत मुश्किल है. बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल. एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स. तो जो बैंक लोन है वो रिक्वायर जो उनकी रिक्वायरमेंट है दे रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल उनको रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट जो जिन लोगों के पास ये सारी रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट दोज पीपल दे कैन गेट द यू नो लोन्स फ्रॉम द बैंक इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं. बट द पीपल हु डजंट हैव ऑल दीज प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोई कोलेट्रल जिनके पास नहीं होता है फिर उनको ये सब लोन लेना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. जो एब्सेंस है कोलेट्रल की एक वो बहुत बड़ी चीज़ है वो मेन रीज़न है कि लोगों को जो पुअर लोग हैं उनको बैंक लोन नहीं मिलता है बिकॉज वो सारा जो एक कोलेट्रल है वो नहीं दे पाते हैं. दे डोंट हैव एनीथिंग इन एसेट्स की वो दिखा सकें कि इन केस वो लोन नहीं पे कर पाए तो उनको ये देना पड़ेगा. इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड नो द बोरोअर्स पर्सनली एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल. तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं मोस्टली वो ऐसे मनी लेंडर्स होते हैं जो बोरोअर्स जो हैं उनको पर्सनली दे नो देम पर्सनली एंड दैट इज़ वाई दे आर रेडी टू गिव देम लोन्स बिकॉज दे नो देम पर्सनली एंड वो बिना कोलेट्रल के उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं. दैट इज़ वाई जो पुअर पीपल हैं दे गेट लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड ऑल्सो द होल इनफॉर्मल सेक्टर. द बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड हरेस द पुअर बोरोअर्स. ना जो बोरोअर्स हैं वो अगर नेसेसरी होता है तो मनी लेंडर्स को वो अपना जो पहला लोन है उसको रीपे बिना किए हुए भी वो दूसरा लोन लेने के लिए दे कैन गो टू दोज मनी लेंडर्स और वो लोग दे भी देते हैं विदाउट गेटिंग द अर्लियर लोन जो है वो रीपे नहीं होता है फिर भी वो उनको लोन जो है नेक्स्ट लोन दे देते हैं. हावेवर जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं फॉर लोन्स एंड ऑल्सो वो कोई ट्रैक नहीं रखते हैं कि कितना रीपेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. सो दे डोंट कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड देन इन द एंड दे हैरेस द पुअर बिकॉज दो दे डोंट कीप एनी जो रिसिप्ट है वो नहीं देते हैं पुअर पीपल को. सो दे कैन हैरेस एंड दे कैन से कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है. सो दिस इज़ वॉट हैपन्स इन द एंड अगर वो पे नहीं कर पाते हैं.
In recent years, people have tried out some newer way of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and pool their savings. So, recent years में लोगों ने ये कोशिश करी कि वो जो नए way of providing loans to the poor हैं, they try those new ways of providing loans to the poor people. And the idea ये है कि organize करें rural poor को, particularly जो women हैं, उनको वो organize करें small जो self-help group हैं, जिनको SHG भी कहते हैं, and pool करें वो जो savings हैं, so that themselves only they can have the loan or the credit available. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. Now, जो SHG हैं, जो self help groups हैं, typically उसमें 15 to 20 members होते हैं, जो regularly meet करते हैं दूसरे से, and they live in the same neighborhood, and वहाँ पे वो meet करते हैं, and वो regularly कुछ ना कुछ save करते हैं, so that they have their savings and काम आने पर they can help each other. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the money lender charges. तो जो members हैं वो small loans ले सकते हैं group से, तो group में एक दूसरे को ही वो लोग loan दे सकते हैं, so that they can help each other and meet their needs. And जो group है वो interest rate charge करता है on these loans, वो भी interest rate लेते हैं, but वो less than what the money lenders charge, तो वो कम लेते हैं. मनी लेंडर्स जितना लेते हैं उससे काफ़ी कम वो चार्ज करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं. आफ्टर अ ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आफ्टर वन और टू ईयर अगर वो रेगुलरली सेव कर रहे हैं, एंड दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी जो उन्होंने सेव किया है, एंड जो अपनी सेविंग्स में वो लोग रेगुलर थे, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से भी लोन लेने के लिए. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. जो loan है, what the bank will give, that will be sanctioned on जो group है, self-help group, उसके नाम पे दिया जाता है. And it is also meant to कि वो जो self-help group है, वो employment opportunity create करे members के लिए. एंड ये इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे मेंबर्स के लिए. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. तो मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं वो लिए जाते हैं बाय द ग्रुप मेंबर्स. उसमें द डिसीजंस अबाउट सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटी वो सब आते हैं. सो ऑल द मेंबर्स, जो 15-20 मेंबर्स होते हैं मोस्टली इन वन सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सारे मिलके सारे डिसीजन लेते हैं कि सेविंग्स किस तरीके से की जाए, एंड ऑल्सो जो लोन्स हैं वो किसको दिए जाएँ. The group decides as regards the loan to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule, etc. तो जो group है, whole group decide करता है in regards to loan जो grant किया जाना होगा, उसका purpose क्या है, amount कितना वो लोग देंगे, interest कितना charge होगा, and repayment schedule क्या होगा. So this is all जो members हैं, all the members together they you know discuss on those things, and वो इस चीज को वो ही जो है उसका एक जो निर्णय है वो लेते हैं. Thus the SHGs help borrowers overcome the problem of lack of collateral. तो इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दे हेल्प द पीपल, दे हेल्प द पुअर पीपल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल जो होता है, जिसकी वजह से वो मोस्टली जो बैंक लोन्स हैं या जो फॉर्मल सेक्टर के लोन्स हैं वो इसीलिए नहीं मिल पाते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कोलेट्रल. सो ये जो एक प्रॉब्लम है बोरोवर की, उसको हेल्प करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं. दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेज एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. तो यहाँ से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहाँ से जो लोग हैं वो टाइमली लोन्स ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए ले सकते हैं, एंड ऑल्सो रीजनेबल जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा उनको. SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर. तो जो रूरल पुअर लोग हैं उनके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, बिकॉज दे आर हेल्पिंग देम
गेट द लोन इन टाइम एंड ऑल्सो वो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से. नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा. तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग कि जो वुमेन है वो सेल्फ रिलायंट हो, इंडिपेंडेंट रहें, वो वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसके अलावा भी जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं इन ग्रुप की उसमें वो वेराइटी ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो दे यू नो डिस्कस अबाउट वेराइटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं एंड जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं एंड दैट सोशल इश्यूज़ कैन बी हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल दीज यू नो जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर वुमेन दे डिस्कस ऑन दैट एंड दैट इज़ हाउ वो इन सब चीज़ों के लिए दे आर गेटिंग रेडी फॉर इट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग जो सेल्फ इंडिपेंडेंसी है वो गेन कर रहे हैं. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अर्बन पुअर लोग हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड इट्स मोस्टली अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल, उसमें वुमेन मोस्टली रहते हैं. सो दे हेल्प ईच अदर टू गेट लोन एंड वो जो लोन होते हैं दे गिव दैट लोन ऑन इंटरेस्ट रेट जो मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं उससे कम रेट पे. सो दिस इज हाउ दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर हेल्पिंग ईच अदर. दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.